अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम श्योर लेक्चरर बाबर अकरम। आज के लेक्चर में एक हम कॉम्प्रिहेंसिव प्रैक्टिस क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, जिसमें जो है तीन चार दफ़ा आपके रेट्स जो हैं वो चेंज हो रहे होंगे और काफ़ी सारी ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व हो रही होंगी। तो लेट्स स्टार्ट विद द डिस्कशन ऑफ द क्वेश्चन। क्या कहता है? कहता है डी एंड डी लिमिटेड अ लिस्टेड कंपनी हैविंग इट्स ऑपरेशन विद इन पाकिस्तान ड्यूरिंग द ईयर एंडेड दिसंबर 31st 2006। द कंपनी कॉन्ट्रैक्टेड टू परचेज द प्लांट एंड मशीनरी फ्रॉम ए यूएस कंपनी, द टर्म्स एंड द कंडीशन देयर ऑफ आर गिवन बिलो। अब यहाँ पे वो क्या बता रहे हैं? यहाँ पे वो बता रहे हैं कि जो पाकिस्तानी कंपनी है वो प्लांट परचेज करने जा रही है यूएसए, और उसकी जो कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है वो यहाँ पे वो आपको बता रहा है। कहता है टोटल कॉस्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट क्या है? $1,00,000। ओके, कहते हैं पेमेंट टू बी मेड इन अकॉर्डेंस फॉलोइंग शेड्यूल। अब कुछ फॉलोइंग शेड्यूल है जिसके तहत आपने पेमेंट उन्हें करनी है। कहता है जी ऑन शिपमेंट दी कॉन्ट्रैक्ट, ऑन साइनिंग दी कॉन्ट्रैक्ट, यानी जब आपका कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाएगा, यानी ये आप एडवांस पे कर रहे हैं उन्हें $20,000, और देन ऑन शिपमेंट, जब आपको शिपमेंट हो जाएगी, मीन्स उसे क्या कि यानी आपको अब राइट्स जो हैं वो ट्रांसफर हो चुके हैं, तो इसमें क्या होता है कि उस टाइम आपने $50,000 जो है वो पे करने हैं, और जब आप इंस्टॉलेशन कर लेंगे, टेस्ट रन करेंगे, देन $30,000 पे करने हैं। यानी इस डेट पे जब आपको आपका एसेट जो है ट्रांसफर शिपमेंट उन्होंने कर दी, आपको रिस्क एंड ड्राफ्ट ट्रांसफर हो गया, तो आप इस डेट पे अपना एसेट यानी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, और सारी की सारी कॉस्ट जो है वो इसका पार्ट बन रही होगी। इस डेट पे आपने इसका स्पॉट रेट देख लेना, जो रिमेनिंग पेमेंट्स होंगी उनका भी। ओके, कहते हैं द कॉन्ट्रैक्ट वेंट थ्रू इन द अकॉर्डेंस विद इन द शेड्यूल एंड द कंपनी मेड द पेमेंट्स ऑन द टाइम, द फॉलोइंग एक्सचेंज रेट्स आर अवेलेबल। यानी कहता है जी कॉन्ट्रैक्ट सही चला, कंपनी ने पेमेंट्स भी जो है वो टाइमली की हैं। अब जिस टाइम पे यानी पेमेंट्स हो रही हो, उस टाइम पे एक्सचेंज रेट क्या था डॉलर का वो देखते हैं। कहता है जी 1st July 2006 को 160.50 रुपीज थी, September 30, 2006 को 161 रुपीज थी, December 31, 2006 को 161.20 था, और जनवरी 31st 2007 को 161.50 था। रिक्वायर क्या करता है? कहता है प्रिपेयर जर्नल शो हाउ द कॉन्ट्रैक्ट शुड बी अकाउंटेड फॉर अंडर IS-10। कहता है IS-10-21 के मुताबिक मुझे बताओ कि जर्नल एंट्रीज पास करें और इस कॉन्ट्रैक्ट को कैसे आप अकाउंट फॉर करें, कैसे आप इसे रिकॉर्ड कर रहे होंगे। तो लेट स्टार्ट, हम इसकी एंट्रीज जो है वो पास ऑन करनी स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपने अपने सामने ओपन कर लेना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, 1st July 2006 को जिस डेट को आप जो है इनिशियल अपना एडवांस की पेमेंट कर रहे हैं, एडवांस टू सप्लायर के नाम से आपकी एंट्री पास हो रही होगी, एडवांस टू सप्लायर, और आपका बैंक के होगा क्रेडिट, कितने से होगा, कितने आपने डॉलर्स पे किए हैं, $20,000, और 1st जुलाई को $20,000 का क्या एक्सचेंज रेट था, 160.50 से आपने जब मल्टीप्लाई किया तो आपके पास कैलकुलेशन में ये क्या आया, 3.2 million, 3210000, 3210000, ये एंट्री जी हमारी 1st जुलाई को पास, जब उन्होंने शिपमेंट कर दिया, आपने $50,000 पे करने और पूरे का पूरा एसेट आपने तब रिकॉग्नाइज कर लेना है। अब आपको ये तो जो है वो रूल्स अच्छी तरह माइंड में बैठा लेनी चाहिए, प्रीवियस जो है वो जो है रूल्स अपने माइंड में रिकैप करें कि एसेट को आपने जो है रिस्क एंड रिवार्ड जब ट्रांसफर हो जाए आपने उसको अपनी बुक्स में रिकॉग्नाइज कर लेना है। किस डेट को? 30th September 2006 को एंट्री पास ऑन हो रही होगी, आपका प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट डेबिट, बेशक इन ट्रांजिट है, ओके, आपके एडवांस जितना आपने दे दिया हुआ है वो क्रेडिट होगा, फिर आपने कुछ जो पे करना है, बल्कि पे कर रहे हैं वो फर्दर, और जो कुछ आपने पे करना है आफ्टर टेस्ट रन जाके आपने $30,000 जो है वो पे करने हैं, तो वो भी अभी से हम इसको कैपिटलाइज कर देंगे, यानी पेएबल के नाम से बना के, पेएबल हमने जी अभी करना है। ओके, एडवांस कितना कर दिया हुआ है, 3210000, 3210000, यही, ये नहीं देखना कि इस डेट को आगे हमने इतने डॉलर्स पे किए थे आज क्या है, नहीं, जो कर चुके हैं वो आप पे हो चुका है ऑलरेडी। फिर आपने बैंक कितना पे किया, $50,000 उस डेट को, $50,000 किस डेट को, 30th September 2006 को, और उस डेट को आपका एक्सचेंज रेट कितना है, 161, यानी ये डॉलर्स हैं सारे के सारे, ओके, और ये भी डॉलर्स हैं, ओके, 161, तो ये आपके पास कितनी अमाउंट बनी, 4836000, 4836, ये सॉरी, ये आपके पास अमाउंट बनी, मेरी कैलकुलेशन यहाँ पे 8050000, और ये हमने बैंक भी 8050000, ओके। अब पेबल कितने से रिकॉर्ड करना है, पेबल भी सेम, यानी आपने उस अभी पे करने हैं, लेकिन अब आपके पास एसेट ट्रांसफर हो गया, रिस्क एंड राइट और रिवॉर्ड जो है वो ट्रांसफर हो चुके हैं, तो अभी आपने इसको भी स्पॉट रेट के हिसाब से अपनी पेबल बना लेना है और एसेट को जो है उतनी अमाउंट से कैपिटलाइज कर लेना है। क्या है उस डेट को, 161,
8, ओके, और ये आपके पास बना 4830000, 4830000, ओके हो गया। ये आपका, इन तीनों का सम करें और आपका प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आपका एसेट्स है वो रिकॉग्नाइज हो रहा होगा 1609000, ये हो गया। अब आपने आ जाना है 31 दिसंबर 2006 को, आपका क्या है ईयर एंड आ रहा है। अब आपने यहाँ पे आके देखना है कि आपका कोई गेन या लॉस तो नहीं हो रहा, ठीक है। गेन या लॉस कौन सा, जो आपने अभी पेमेंट तो रिकॉग्नाइज कर ली है, कौन सी 4830 की। अब जब इस डेट पे आपने देख लेना है कि मैंने वहाँ पे 161 के हिसाब से की है, क्या यहाँ पे कुछ डॉलर का फ्लक्चुएट तो नहीं हो रहा, रेट डी फ्लक्चुएट हो रहा है। 31 दिसंबर को कितना हो गया, 20 पैसे इंक्रीज हो चुका है, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा होगा, यानी अब आपको ज्यादा पे करने पड़ रहे होंगे, महंगा हो जाएगा डॉलर, तो आपको अपनी करेंसी ज्यादा देनी पड़ रही होगी डॉलर को परचेज करने के लिए। तो इसमें यहाँ पे क्या होगा, आपका एक्सचेंज लॉस आ रहा होगा, यानी ज्यादा पे करने पड़ेंगे आपको एक्सचेंज लॉस, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस में जा रहा होगा, और आपका पेएबल जो है वो मजीद क्रेडिट हो जाएगा, जो आपने अपनी बुक्स में रिकॉग्नाइज किया हुआ था 4830000 कितने से आएगा, अब वो हम आगे कैलकुलेशन कर लेते हैं नेक्स्ट की शीट पे। आपने पहले कहा था जी 30,000 डॉलर्स इनटू हमारा इस दफा का रेट है 161.20, ओके, और ये कितना बना, यानी अगर आज हमने पे करने हो तो हमने कितने करने हैं 4836000। एक्चुअल हमने कितने रिकॉग्नाइज कर चुके हुए हैं, यानी कितने हमने की लिखा हुआ है और उसका हम डिफरेंस ले लेते हैं, हमने लिखा हुआ है जी 4830000, यानी 6,000 रुपये से मजीद हमारा पेएबल जो है वो बढ़ जाएगा, यानी एक्सचेंज रेट की वजह से, ओके। हमने जी यहाँ पे लिख दिया 3,000 रुपीज एक्सचेंज लॉस और 3,000 रुपीज हमारा पेएबल से हो जाएगा क्रेडिट, ओके हो गया। अब हम चलते हैं अपनी 31 जनवरी की तरफ, जो एंट्री हमारी पास ऑन होनी है, जब हमने जो है वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को जो है वो डेबिट करना है। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट क्या, यानी यहाँ पे अगर आप 31 दिसंबर पे देख रहे हो, 31 जनवरी जिस डेट पे आप जो है वो अभी पेमेंट्स कर रहे हैं, 31 जनवरी को क्या हो रहा है, आपका प्लांट जो है वो आपके पास आ जाता है, जो आपने पहले इन ट्रांजिट में आ गया, रिस्क एंड ट्रांसफर हो चुके थे, आपने इन ट्रांजिट के तौर पर उसे एसेट रिकॉग्नाइज कर लिया था, ठीक है। अब आप उसे क्या कर लेंगे, यानी अगर आप देखें यहाँ पे आप एंट्री एक जो है सिक्योर होने की तरफ से, अपने आप को सिक्योर करने की, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट डेबिट कर दें, और प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट जो आपने इन ट्रांजिट के तौर पर रिकॉग्नाइज किया हुआ था कि अभी रास्ते में है, हमने मिला नहीं है, आप उसे यहाँ पे इन ट्रांजिट के तौर से क्रेडिट कर दें, सेम अमाउंट से, अमाउंट नहीं चेंज होनी, अमाउंट यही रहनी है 16, यहाँ पे आप बल्कि प्रॉपर साथ इन ट्रांजिट लिख दें, ओके 1609000 से 1609000 से प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट डेबिट, और इन ट्रांजिट जो आपने रिकॉर्ड किया हुआ था वो हो गया क्रेडिट, ओके। अब 31 जनवरी को आपने एक पेमेंट भी की है, किसकी की है, आपने अपना पेबल जो है उसको सेटल ऑन किया है, ठीक है। अब उसकी एंट्री क्या पास ऑन होगी, आप पेबल का जो है देख लें एक्सचेंज रेट क्या है 31 दिसंबर को, अगर आप देखें तो मजीद जो है हमें जो है वो लॉस हो रहा होगा, क्योंकि हमने 161.20 से भी लॉस रिकॉग्नाइज कर लिया, जब 20 पैसे डॉलर महंगा हुआ, और अब 30 पैसे डॉलर मजीद महंगा हो रहा है जनवरी 31, 2007 को, जिस डेट को आपने पेमेंट करनी है, यहाँ पे आपने पेमेंट ड्यू हुई हुई थी, जिस डेट को आपने इंस्टॉलेशन और टेस्ट रन के बाद पेमेंट करनी थी 31 दिसंबर 2007 को, ओके। अब यहाँ पे क्या होगा, आपका पेएबल डेबिट हो रहा होगा, ओके, आपका बैंक जो है वो क्रेडिट हो रहा होगा, ठीक है। अब आपने देखना है कि हमारा जो था वो क्या मजीद जो है वो इसमें एडजस्टमेंट जो है वो पास ऑन हो रही होगी, उसकी अब हम जो है वो सेपरेट कैलकुलेशन करते हैं। कितने पे करने थे 30,000 डॉलर, और आज का डॉलर का क्या रेट है 161.50, और जो क्या बन रहा होगा, हम अगर इसको कैलकुलेशन करें 30,000 × 161.5, जो कि हमारे पास बन रहा होता है 4845000, ओके हो गया, ये तो आ गया डॉलर का। अब हमने देखना है कि हमारे पास यानी डिफरेंस क्या आता है, यानी ये तो अब है, हमने पहले कितनी अपने रिकॉग्नाइज कर ली हुई है, हमने रिकॉग्नाइज की हुई थी 4836000, उसमें लास्ट टाइम का भी हमने इंकॉर्पोरेट कर लिया हुआ था जितना भी हमारा एक्सचेंज लॉस आया 4836000, ओके। अब कितना डिफरेंस है हमारे पास 9,000 का, यानी 9,000 का मजीद हमारे पास क्या आ गया एक्सचेंज लॉस, और एक्सचेंज लॉस यहाँ पे हमारे पास हो रहा होगा डेबिट। पेएबल कितना आ जाएगा आपके पास
4845000 9000 आपका यानी सॉरी पेबल हमारे पास आ रहा होगा 48 यानी ये जो ऊपर है 4836000 और 9000 आपके पास मजीद एक्सचेंज लॉस है और आपका बैंक जो है वो 4845000 से जो है वो क्रेडिट हो रहा होगा। ये इसकी एंट्री जो है वो पासन होनी थी यानी क्या कितना पेबल हमने डेबिट कर दिया ठीक है, मजीद एक्सचेंज लॉस आया उस डेट को जिस डेट को हम पेमेंट कर रहे थे और बैंक हमारा टोटल से उस डेट पे जितना एक्सचेंज यानी कन्वर्जन रेट था डॉलर का उससे मल्टीप्लाई करके जितना होगा वो हम अपने बैंक से जो है वो क्रेडिट करके निकाल रहे होंगे। सो एक कॉम्प्रीहेंसिव टाइप सा क्वेश्चन था, इसे अच्छी तरह कीजिएगा, मजीद इसकी कैलकुलेशन कीजिएगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग हो। सो दैट्स ऑल, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।